इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को बताएंगे कि क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये इमिशन स्पेक्ट्रा से किस तरीके से डिफरेंट है, और उन डिफरेंस को या उन करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सरे का जो स्पेक्ट्रा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, ये एक्चुअली एक्सरे का इमिशन स्पेक्ट्रा था। मतलब किसी मटेरियल से एक्स रेज इमिट हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स रेज हैं उन्हें किसी मटेरियल पर फॉल करेंगे, यानी कि एक्स रेज को फॉल करेंगे कहाँ पर, किसी मटेरियल पर, और उस मटेरियल से देखेंगे कि एक्स रेज जो बाहर निकलेंगे उनमें क्या डिफरेंस आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ एब्सेंट होंगी उसे हम कहेंगे एक्स रेज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो हम एक्स रेज को फॉल करें किसी मटेरियल पर, फिर एक्स रे स्पेक्ट्रोग्राफ से देखेंगे कि एक्स रेज की कौन कौन सी वेवलेंथ एब्सेंट है, क्या वही है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था या उससे डिफरेंट है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि जो इमिशन स्पेक्ट्रा में डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा था या करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा था, जिसमें के अल्फा के बीटा लाइन थी, वो सब लाइन यहाँ पर एब्सेंट हैं, या कह सकते हैं वो सब डिस्क्रीट लाइंस यहाँ नहीं मिलती हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो जब यहाँ लाइन स्पेक्ट्रा नहीं मिलता तो यहाँ क्या मिलता है, तो जो वेवलेंथ यहाँ मटेरियल से पास होने के बाद ऑब्जर्व होती हैं उसे हम कह सकते हैं वो कंटिन्यूस रीजन है एक। विद ए शार्प एज, मतलब एक कंटिन्यूस रीजन होगा फिर अचानक एक किनारा सा आएगा, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की करेक्टरिस्टिक हुई। नंबर थ्री, तो ये जो एज है या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन लिमिट। तो अगर के लिए कहें तो न्यू के को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन लिमिट। या कह सकते हैं वो जो कंटिन्यूस रीजन है उसके जो शार्प एज है उसे हम एब्जॉर्प्शन लिमिट कह सकते हैं, या न्यू के हम उसका नाम कह सकते हैं, उसे हम कह देंगे एब्जॉर्प्शन लिमिट। फोर, अब ये जो न्यू के है जो एक बाउंड्री हुई, इस बाउंड्री से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एक्स रेज एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस बाउंड्री से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो एक्स रेज होंगी वो ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो कह सकते हैं एक्स रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू के विल बी ट्रांसमिटेड। अब एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं इसको शो करने के लिए। तो एक्चुअली है क्या, यहाँ हम एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ पर इस डायग्राम में जो फ्रीक्वेंसी है वो स्केल इस तरफ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ कहीं वो जो एज है वो बना देते हैं, ये न्यू के है। इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ ये एब्जॉर्ब होगी और ये ट्रांसमिट होगी, तो ये एब्जॉर्ब होगी और यहाँ ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसमें देखिए लाइन बना देते हैं, तो ये इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की जो लिमिट है इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। मतलब यहाँ तक मैक्सिमम सी एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ फिर ये एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाएगा। तो जो लिमिट हुई इसका नाम हमने कह दिया न्यू के। तो ये तो एब्जॉर्ब है और ये ट्रांसमिटेड है। तो यहाँ के अल्फा के बीटा लाइन भी बना सकते हैं आप। तो ये तो है बीटा वन बीटा टू, ये कह सकते हैं अल्फा वन अल्फा टू, तो ये इसे ट्रांसमिटेड वाला जो ग्राफ है उसे भी हम इस ढंग से बना सकते हैं। तो एक्चुअली है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यू के बाउंड्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू की बाउंड्री है उस बाउंड्री से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो
एक्स रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उससे कम वाली एब्जॉर्ब नहीं होंगी या ट्रांसमिट हो जाएंगी, और ये शार्प एक बाउंड्री सी दिखाई देगी, इसलिए हमने इसे नाम दिया शार्प एज। तो ये एज है। अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा, क्यों लाइन स्पेक्ट्रा अल्फा वन और ये के अल्फा के बीटा, अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, के अल्फा के बीटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन, अब दो बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। एक तो एक्सप्लेन करना है कि जो पहले इमिशन स्पेक्ट्रा था वैसा ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है। दूसरी बात हमें बतानी है कि भाई जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसमें शार्प एज होने का मतलब क्या है। तो पहला एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्या चीज़ कह सकते हैं कि ये एब्सेंस ऑफ डिस्क्रीट लाइन। तो डिस्क्रीट लाइन क्यों नहीं है ये अभी करते हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एटम है जिसमें यहाँ के सेल है, फिर यहाँ एल सेल है, फिर यहाँ एम सेल है। तो अगर यहाँ से आपने बाहर बम्बार्डमेंट किया और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये जो वैकेंसी है ये यहाँ से फिल हो जाएगी और फिर यहाँ जो वैकेंसी होगी फिर आगे से फिल हो जाएगी, या ये वैकेंसी डायरेक्ट यहाँ से भी फिल हो सकती है। तो ये एक्चुअली फिर करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा यहाँ से इमिट होता था। अब उल्टा केस कह सकते हैं कि आपके पास एक एटम है और आपने उस एटम पर एक्सरेज का बम्बार्डमेंट कर दिया है, मतलब एक्सरेज डाल दी है, तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखना चाह रहे हैं। अब देखिए अगर हम कहें कि के अल्फा लाइन जो 2 से 1 में ट्रांजिशन था इमिशन में, तो एब्जॉर्प्शन में 1 से 2 में होना चाहिए, मतलब यहाँ जो के सेल है के और एल है जब एल से के में जाएगा तो इसे कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा या के अल्फा लाइन, जब के एम से के में जाएगा तो कहेंगे के बीटा लाइन। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि लाइन वैसी ही होनी चाहिए जैसी इमिशन स्पेक्ट्रा में है, तब हमारे लिए जब एक्सरेज यहाँ से फॉल करें तो उस एनर्जी को रिसीव करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये के से एल सेल में जाना चाहिए या के से एम सेल में जाना चाहिए। लेकिन लेकिन जिस समय ये यहाँ फॉल हो रहा है उस समय एल पर कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो ये के से एल में कैसे जा पाएगा या के से एम में कैसे जा पाएगा, क्योंकि वो जो वैकेंसी पहले क्रिएट हुई थी वो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा के बाद वो सारी भर गई होंगी, या कह सकते हैं समय जो एटम है उसकी सारी सेल्स फिल्ड हैं। तो इसलिए इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो लाइन स्पेक्ट्रा करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में हमें मिल रहा है के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा लाइन, ये इस वजह से है क्योंकि उस समय उनके इमिट होने के लिए वहाँ वैकेंसी है और यहाँ उनके लिए यानी कि एब्जॉर्ब होने के लिए अपर लेवल में वैकेंसी नहीं है, इसलिए वैसे के वैसी कह सकते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइन यहाँ एब्सेंट होती है, या कह सकते हैं डिस्क्रीट लाइन इस स्पेक्ट्रा में एब्सेंट होती है, या कह सकते हैं कि जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वैसा ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं होता। अब दूसरा इशू है कि वहाँ शार्प एज क्यों है, प्रेजेंस ऑफ शार्प एज। अब ये बात है कि ये शार्प एज क्यों है, मतलब जो न्यू के है वो एक ऐसी स्पेसिफिक बाउंड्री क्यों है कि न्यू के से एक तरफ यानी कि न्यू के से ग्रेटर है तो एब्जॉर्ब हो रहा है और न्यू के से लेस है तो ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये ऐसे एज क्यों है। इस डायग्राम को फिर से देखिए, आपके पास यहाँ एक्सरेज फॉल हो रही है इस मटेरियल पर जिसे एक्सरे को एब्जॉर्ब करना है, या जिस मटेरियल पर एक्सरेज के एब्जॉर्प्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जब एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे या तो निकल जाएगी या एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा, मतलब या तो ये इलेक्ट्रॉन के से एल में जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, के से एम में जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है, बाहर की सारी सेल फिल्ड हैं। तो ये कब हो सकता है एब्जॉर्ब, जब यहाँ से एक्सरे फोटोन आए और अंदर वाली सेल या किसी भी सेल से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, मतलब ये पूरा बाहर इसे निकाल दे। तो उसके लिए अगर हमें वर्क चाहिए कितना डब्ल्यू चाहिए के लिए, तो ये एच न्यू के है, मतलब इतनी फ्रिक्वेंसी कम से कम हमें चाहिए वहाँ उस
के इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुई। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो ये इजेक्ट तो होगा, इजेक्ट होने के बाद भी इसमें काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। इसका मतलब वो जो फोटोन इजेक्ट करेगा वो एक्चुअली ट्रांसमिट नहीं होगा, या कह सकते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, उसने एक काम कर दिया के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अगर न्यू के या न्यू के से ज़्यादा होगी तब वो इस के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा और फोटोन का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, या कह सकते हैं वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के से कम हुई तो वो फोटोन यहाँ से सीधा निकल जाएगा, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये जो एज है ये हुआ। तो अगर न्यू इंसिडेंट ग्रेटर देन न्यू के है तब क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर न्यू इंसिडेंट क्या है लेस देन न्यू के है तब ये क्या होगा, तब ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये अचानक शार्प एज क्यों है इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। और यहाँ हमने एक्सप्लेन किया कि इसकी जो इसका जो स्पेक्ट्रा है वो डिस्क्रीट, ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों नहीं है। थैंक यू।